आ गए शकील भाई आप। आ जाओ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। अरे यार मैं इतना भाई, अभी शकील भाई मतलब ये है कि भाई गुल्ले चाहिए होगे, सही है भाई? मुझे बैंक के अंदर एक दो दिन पहले फोन करो, मिल जाएंगे, कोई मसला थोड़ा। सही है, अभी मैंने भाई ये शकील भाई से 50 दाने जिंदा गुल्ले भाई ये मंगवाए, ये देखो भाई बिल्कुल चल रहे हैं और 50 दाने शकील भाई लेकर आए। तो शकील भाई मतलब ये है कि आपका, आपको अगर गुल्ले का ऑर्डर देना चाहे तो एक दिन पहले देना चाहिए भांग के अंदर, कम से कम दो दिन पहले। सही है, और पानी रफ हो ना, ठीक है, उसके अंदर एक 150 दानों का 20 दानों का इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, कभी भी कर सकते हो, ठीक है मतलब। लेकिन जब भांग हो जाएगा, पानी भांग होएगा, उसके अंदर एक दो दिन पहले मुझे फोन करे, जो भी जिसको भी करना है, ठीक है। 800 रुपए के 100 दाने है, 400 रुपए के 50। सही है, मतलब एक दाना 8 रुपए का आप दे रहे हो, और आपका नंबर मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर, दे सकता हूँ स्क्रीन पे, दे सकते हो, लेकिन उसका मैंने डिटेल बता दी है कि भांग के अंदर एक दो दिन पहले रहा। सही है, भांग वो मैं समझा दूंगा कि भाई भांग के हिसाब से रब्ता करना है, और दूसरी बात ये कि आगे ऊपर से ईद भी आएगी, ठीक है, उसमें भी लाजमी सी बात है सारे शिकारी जितने भी वो अपनी तैयारी पकड़ेंगे तो उसमें भी आपके साथ सारे रब्ता करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें फिर आपको ये आप अरेंज तो आप करके दोगे, चाहे 500 दाने हो, 200 दाने हो, 10,000 दाना हो, गैप होगा उसके अंदर अरेंज कर दूंगा, एकदम से नहीं होगा कि मतलब है कि अभी आपने फोन किया यार मुझे 1,000 दाना चाहिए, ठीक है, तो घर पे नहीं रखा हुआ है। सही है, मतलब आप तो जिंदा पकड़ते हो ना, अभी मैंने आपको कॉल किया में चाहिए, हाँ तो लाइव में चाहिए, इसके लिए 100 दानों का भी भांग में मैंने बोला इशू बन जाता है, ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे पहले बुकिंग होती है तो उसका कोई इशू नहीं है, फिर वो उसको ही मिलेंगे जिसकी बुकिंग। बस सही है, और उसके अलावा आप मछली का जो बता रहे थे, अगर फ्रेश झींगा किसी को चाहिए मछली, मैंने तुम्हारे को व्हाट्सएप में मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब फ्रेश मछली आपसे लेनी हो तब भी आपको आपके साथ रब्ता कर लें, उसके अलावा झींगे फ्रेश चाहिए तो अब भी आपके साथ रब्ता कर लें, भाई जिंदा चारा चाहिए, गुल्ला चाहिए, आपके साथ रब्ता कर लें, वो मिल जाएगा, और गुल्ले के अलावा जो है ना कोई चारा नहीं होता है, मतलब आप गुल्ले का ही करोगे, वही वही का तो फिर वो लोग वो खुद ही अपना करें, खुद ही करेंगे, क्योंकि वही का वो कोई ऐसा वो मेरे पास सेटअप नहीं है जिसके अंदर मैं उनको मार के दूं या मिसाल के तौर पे, हाँ मार्केट में अगर मिलेगी तो कोई मसला नहीं है, मार्केट से लेके दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलीगढ़ में रहते हो, यहाँ पर में, और आप मैंने सुना है वहाँ पर बाबर मार्केट की साइड पे पहुँचा कर भी देते हो, ऐसा मैंने सुना है, दाऊद चौरंगी गफूर मिठाई वाले के पास, वो उस दिन आता है जैसे मिसाल के तौर पे किसी की बुकिंग आ गई हफ्ते के दिन, ठीक है, बुकिंग होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बुकिंग होती है जुम्मे वाले दिन, बुकिंग होती है तो वो दाऊद चौरंगी की कोई बुकिंग होती है तो उसके साथ फिर उसकी चले जाता है माल, दाऊ चुरंगी गफूर मिठाई वाले, दाऊ चुरंगी गफूर मिठाई। वैसे अगर मतलब किसी को लेना होगा तो एक तो ये पंप पे आ जाए, ये आ जाए अल्लाह बख्श बाबा है पानी वाला ऊपर, ठीक है, उधर आके कॉल करो, उधर भी मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब लालाबाद अलीगढ़ इस एरिया में आप आ जाओ, हाँ। तो मतलब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ये शकील भाई, भाई ये शकील भाई है, बाकी ये की भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें जो है वो डिटेल दी और आपसे हमने रब्ता किया, बस ये की आपका नंबर में से शेयर कर देता हूँ, बाकी अभी तो रमजान है, कुछ कुछ पार्टियाँ अभी बनाएंगे, लेकिन ईद में इंशाल्लाह ये है कि आपके साथ बहुत ही लोग रब्ता करेंगे, आपने अरेंज उनके लिए करना है, ठीक है ना शकील भाई, जो जो जिसका फोन पहले आएगा उसके लिए हाजिर है, अब ये पता चले कि वो बोलेंगे नहीं जी सही मैंने एक दिन का गैप रखा था, बाजे टाइम ऐसे होता है कि अब 23 मार्च की बुकिंग है, ठीक है, अब ये हनीफ हो गया, अनवार हो गया, माशूके, ठीक है, यानी कि जितने भी कश्ती वाले हैं, सही है, ये हफ्ता पहले मेरे को बुकिंग करवा देते थे कि जैसे अभी 23 मार्च है तो 20 को मेरे पास, 20 को 18 को बुकिंग लगना शुरू हो गई, ठीक है, कि भाई इतने है, मेरा माल है, इतना मेरा माल है, ठीक 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 ठीक, छुट्टी वाले दिन कोई सरकारी छुट्टी होती है तो इस तरह होता है जैसे ईद है, बस ये है कि दोस्तों अभी शकील भाई का तो आपने पूरी डिटेल आपने सुन ली, बाकी चार मैं नंबर इनका स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप नंबर भी नोट कर लो और शकील भाई के साथ आप रब्ता कर लो, लेकिन गुल्ले ये है कि नेक्स्ट डे को भी जिंदा रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा मट्टी वहाँ से उठा के फिर मैं डालूंगा, नहीं, नहीं, इसके अंदर कुछ हाँ? भी नहीं डालना है, इसको खाली बड़ी बोतल 6 लीटर वाली पानी की दी है, सही है, उसको काट के इसको उसके अंदर रख देना, नीचे कश्ती में रख देना चाहो, तो ये मतलब इसकी टाइमिंग कितनी होती है, टाइमिंग आप इसको छेड़ो नहीं, आप 2 दिन तक पड़े रहेंगे, माशाल्लाह भाई देखो भाई 2 दिन तक पड़े रहेंगे तो आप एक दिन पहले भी आप शकील भाई से लेकर आप रख सकते हो भाई, उस चीज की गारंटी है मेरी, अगर उसको उसके
हिसाब के मुताबिक जगह मिलेगी ना दर्ज हरारत, तो जैसा मैं बताऊंगा कि ऐसे रखना है, गर्मी के अंदर अलग रखते हैं, सर्दी के अंदर अलग तरीके से रखते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि मैंने दे दिया अब तुम थैली का मुंह बांध दो, बोले हाँ, शकील भाई ने बोला दो दिन तक पड़े रहेंगे, पता चला वो सही कह रहा है, सही कह रहा है, इसको रखना पड़ता है बोतल के अंदर, और गर्मी के अंदर रखना पड़ता है ठंडी जगह पे जिधर हवा हवा लगती रहे। ठीक है, सर्दी के अंदर फिर धूप इसको लगानी पड़ती है। सही, बिल्कुल तो वो सही। अपनी जगह पे आ जाते, अभी आपने मुझे दिए हैं तो मैं इसको, पानी इसके अंदर डला हुआ है ना, ठीक है, ये इनके हिसाब से पूरा बेहतर है, पूरा बेहतर है। मैं इनको जो है वो 6 लीटर वाली बोतल को काटना वरना नहीं काट, ऊपर वाला ऐसा काट दो, टोपी जो होती है वो काट, ढक्कन वाली जगह थोड़ी सी काट के उसके अंदर इतना देख लो तुम्हारा आज आ सके जा सके। ठीक है, उसके अंदर डाल के रख दो और उसके ऊपर कोई कपड़ा वपड़ा नहीं डालना, निकलते नहीं है। ठीक है भाई शकील भाई, भाई बहुत वीडियो भी लंबी हो रही है, बहुत इंटरव्यू तो शकील भाई का हमने ले लिया, आपने देख भी लिया, शकील भाई को नंबर भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बाकी आप मछली मछली की जरूरत पड़े पहले रब्ता करो, जैसे भी बोनलेस कटलेस जैसे भी मछली चाहिए बना के दे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी आपको ये शकील भाई ने बता दिया। ठीक है ना दोस्तों, बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।